सहारे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप कहां, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? सविता ताई तो कह रही थी कि इसका तलाक हो गया है, इसका और मानव का। फिर भी मानव ने बुलाया होगा यार। अरे नहीं रे, मानव क्यों बुलाएगा? उस दिन भरी चौल में इतना भला बुरा सुना के गई थी उसको, और मानव तो कान पकड़ता है इसके नाम से। हाँ तो बिन बुलाए मेहमान होगी और क्या। किसने बुलाई यहाँ पे? आज मेरे बेटे की गैरेज का उद्घाटन है, ऐसे शुभ कार्य में तेरी मनहूस छाया डालने क्यों आई तू? सविता, अर्चना अपनी बहू है, उसके साथ इस तरह उससे बात। कौन बहू, कैसी बहू? अभी कोई रिश्ता बाकी नहीं है। शर्म, अभी तक तू निकली नहीं, तुझे सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? वो किसने बुलाया था तुझे? मैं उस फाइनेंस कंपनी की तरफ से आई हूँ जिस कंपनी ने आप लोगों को लोन दिया है। मुझे आपने कंपनी का बोर्ड लगाना है और साथ ही साथ मिस्टर मालव के कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए। तू बोर्ड लगाई यहाँ पे, तेरे बाप की जगह है। मेरे बेटे का गैरेज है, मैं मालकिन हूँ वहाँ की। अरे तू बोर्ड क्या, इतना सा कागज भी नहीं लगा सकती, मैं देख लूंगी। हाँ देखिए, कंपनी के लोन का मामला है और ये प्रोसीजर है, ये आप लोगों को मानना ही होगा। उस तरह का एग्रीमेंट ही साइन किया है मिस्टर मानव ने, और मैं वही कर रही हूँ जो लीगल है और ऑफिशियल भी। अरे तू क्या एक मिनट, जब तक इस कंपनी को मैं लोन वापस नहीं करता, ये प्रॉपर्टी कंपनी की है तो बोर्ड तो लगेगा ही ना। देखो वो, तुम अपना काम कर सकती हो। थैंक यू, बस हमारी कंपनी का प्यून भी आता ही होगा और वो जैसे ही आएगा वो बोर्ड यहाँ फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन तब तक तुम अंदर आके बैठो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ यहीं पर। ये देखो अर्चना, तुम इस तरह बाहर खड़ी रहो मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, जब तुम्हारे कंपनी का प्यून आ जाएगा तब तुम चली जाना। चलो। मानना पड़ेगा सविता, तुझे बहुत बड़ा दिल है तेरा। तेरी बहू ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नाक कटा दिया तेरा, फिर भी इस अवसर पर तूने आज उसे यहाँ बुला लिया। तू तो महान है। कुछ भी उल्टी सीधी बात मत कर, मैंने बुलाया नहीं, ना किसी ने घर में से बुलाया है। वो अपने आप बिन बुलाए मेहमान बनी। अपने आप बिन बुलाए मेहमान, तू बुलाए नहीं तो कैसे आएगी? ऐसे ही आती है क्या? कुछ भी क्या, कुछ भी। मेरे मानव ने जिस ऑफिस से लोन लिया ना, वो
ऑफिस के में वो काम करती है, तो वहाँ से वो आई है, कुछ काम है इसके लिए, समझी? कितना टाइम हो गया, ये प्यून अभी तक क्यों नहीं आया? हेलो हेलो दादा, कुटे तुम्हें? आप बोर्ड लेकर कभी आ रहे हैं? ट्रैफिक में फंस गया हूँ मैडम, और 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे। ठीक है ठीक है, पर थोड़ा जल्दी आइएगा ना। चुड़ैल कलमुही नालायक, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, पता नहीं हमारी किस्मत से कब टलेगी ये पला। हवन का समय हो गया है, देशमुख परिवार में से कोई भी एक पति पत्नी का जोड़ा आकर हवन में बैठ जाए। अभी हमारे घर में हमारे और मेरे बेवड़े के सिवा है कौन दूसरा जोड़ा? लेकिन गए कहाँ ही? हाँ? अभी ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। हवन में मेरे बैठने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मानव का गैरेज है, ये उसकी कामयाबी है, उसकी खुशी है। हवन में तो मानव ही बैठेगा, और पापा की कृपा से अर्चना भी यही है। पापा भी यही चाहता है कि ये जोड़ा हवन में बैठे। अब मेरे तरीके से ही मुझे कुछ बिल्डिंग लगानी होगी। कौन से मुहूर्त पे बेवड़े से शादी हो गई, ऐन वक्त पे गायब हो जाता है, कहा ढूंढू इसे, समझ में नहीं आता मेरे, कहा ढूंढू। दामोदर देशमुख, आज तक तुमने स्टेज पर अपने हुनर के जलवे दिखाए, आज पहली बार असल जिंदगी में एक्टिंग करने का मौका आया है, चल हो जा शुरू। ये बेवड़े को ढूंढू काम है, आइन वक्त पे गायब हो जा। मानव बैठेगा, मेरी मेरी बहू बैठेगी हवन में, नहीं जाएगी ये बहू। अर्चना, इसको क्या हो गया? अभी तक तो अच्छा खासा था, ये दारू पी के बैठा है। करती मैं उसको हवन में, मेरा बेटा बैठेगा, मानव बैठेगा। अभी तक अच्छा खासा था, ये तूने दारू कब पी बोलना? वो पूजा तक तू रुक नहीं सका, अभी हवन में कौन बैठेगा? अरे बहू बैठेगी। अरे वो तेरी बहू अर्चना गई खड्डे में, और तुझे अगर जगह मिली ना तो तू भी जा खड्डे में। लोगों के सामने मेरे इज्जत का फालूदा करने में तुझे खुशी आती है? खुशी मिलती है क्या? मैं पीऊंगा जब से देखो। मच मच आवाज बंद कर, तू आवाज बंद कर। ये सब क्या लगा रखा है सामने? ये है तुम्हारा प्रिय बेवड़ा बाप। पूजा के टाइम इतने लोग इकट्ठा हो गए, उसको लाज शर्म कुछ नहीं? अपने बेटे ने इतना अच्छा गैराज खरीदा, खुशी की बात है, वो छोड़ के ये बेवड़ा पीने में मजा ले रहा है, वर्षी पीके बैठा है, ऐसा लगता है मार डालू इसको। सच्ची मेरा दिमाग बहुत गर्म होता है। अर्चना बैठेगी। अर्चना बैठेगी? देखती हूँ तेरी अर्चना कैसे बैठती है। मेरा दिमाग गर्म हो इसलिए मैं कर रहा। पापा आज के दिन आपको पीनी नहीं चाहिए। कौन कमबख कहता है कि मैंने पी है? मतलब मैं तो दारू पीने का नाटक कर रहा था। नाटक कर रहे थे? एक्टिंग। लेकिन क्यों? देख बेटा, अभी अभी सचिन ने कहा कि मानव के जिंदगी का यह आज का
सबसे बड़ा दिन है और उसकी खुशी को दुगना करने के लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या? मानव और अर्चना हवन में बैठे, ना कि मैं और सविता। लेकिन बाबा, ये मेरी नहीं बापा की मर्जी है, इसलिए तो अर्चना को उसने यहाँ भेजा, वरना ऑफिस में से किसी और को भी भेज सकते थे। अब उसने राह हमें दिखाई है और उस राह पे चलना अब हमारा काम है, इसलिए तो मैंने दारू पीने का नाटक किया ताकि सविता को लगे कि मैं नशे में हूँ और वो हवन में बैठने की जिद छोड़ दे। देखो, तुम लोगों को अगर लगा कि मैं ये सही कर रहा हूँ तो मेरा साथ दे दो, और लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो प्लीज वहां जाके किसी को कुछ मत बताओ। नहीं बाबा, हम आपके साथ हैं, और सच कहूँ तो मैं और सचिन हम दोनों भी यही चाहते हैं, और अब इस मिशन में हम आपके साथ हैं। तो ठीक है, अब हम बाबा, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जितने अच्छे थिएटर एक्टर हैं उससे कई गुना अच्छे मेरे बाबा हैं। अच्छा चलो, हम अभी मिशन शुरू करते हैं। हाँ। पहले तुम दोनों मुझे वहां ले चलो, मैं एक्टिंग का जलवा दिखाता हूँ, और तुम लोग अपना काम शुरू करो। ओके, ठीक है। यह हवन ऐसे नहीं होगा। इस हवन में ना मैं बैठूंगा ना सविता बैठेगी। इस हवन में बैठेगा मेरा बेटा मानव और मेरी बहू अर्चना। ये उनका हक है, वो उन्हें मिलना ही चाहिए। मैं वरना ये हवन उन्हें नहीं दूंगा। ये भटा, तू बता, मेरा बेटा मानो इस गैरेज का मालिक है, तो गैरेज की मालकिन कौन हुई? उसकी बीवी मतलब अर्चना। अरे पूजा में मालिक और मालकिन ही बैठते ना, बाकी सारे लिटल लोग का क्या काम है यार? ए मानव, चल चल, देर हो रही है, चल बैठ बैठ, हवन पे बैठ जा बहू के साथ। बाबा सुनो मेरी बात। अरे बहू के हाथों पूजा कराएगा ना तो एक गराज के 10 गराज बन जाएंगे तेरे। मेरी बात सुन। अबे क्या सुनना और क्या कहना दादा, देखो देखो, आज मानव की जो भी कामयाबी है उसके पीछे अर्चना का हाथ है। बात कैसे भूल सकते हैं? आज अगर हवन होगा तो मानव और अर्चना के हाथों ही होगा, वरना मैं ये हवन होने नहीं दूंगा। अर्चना बेटी, ये तेरा घर है, तू मालकिन है इस गराज की, चल आजा आजा, मानव के साथ बैठ। उसकी गरीबी में तूने उसका साथ दिया ना, अब उसकी कामयाबी में भी तू आज यहाँ आई है तो तेरा हाथ लगना ही चाहिए। ये इधर इधर
इधर इधर मेरी बहू बेटी की इधर मानत। भाई गिरीश जी आ गए। अरे वो क्या होगा अगर उन्होंने ये सब तमाशा देख लिया ना तो हो गया कल्याण। इतनी मुश्किल से तूने ये रिश्ता बनाया था, इसका तो बनता दार हो गया। और आई तेरे सपने तो मरने दे सपने। तू एक काम कर, देवरा बोलता है ना ऐसे ही होने दो। अरे ये लोगों के सपने, इनकी इज्जत का फालूदा हो जाएगा ना बेटा, कर ना। अरे आई बहुत देर हो चुकी, कुछ नहीं हो सकता है। नहीं रे पापा, तेरी भाभी है ना वो, तेरी चहेती वहिनी, उसको समझा दे। अरे आई तुझे पता है ना दादा और वहिनी का, वहिनी नहीं मानेगी, कैसे मानेगी। तू उसका चहेता देवर है ना, जाना जल्दी से मनाओ, वो पिठाओ ना बाबा, इज्जत का फालूदा होता है, मुझे बहुत शर्म आती है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे कान के नीचे देना चाहिए, टाइम के खाए यही नहीं है ना लायक। नमस्ते नमस्ते गिरी जी, कैसे आप, कैसी है बेटा। अच्छी है दादा, एक मिनट के लिए चलिए ना, आपसे कुछ बात करनी है। वहीनी मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, एक मिनट चलोगे। एक मिनट के लिए दादा, अर्जेंट है। प्लीज दादा, देखिए आप ना मत कहिए। और इतनी सी बात पागल हो गया है तू सचिन। क्यों दादा क्यों, ऐसे मैंने क्या बात कर दी। अरे आप बाबा की हालत देख रहे हैं, इस समय पे अगर उन्हें नहीं रोका गया, उनकी बात नहीं मानी गई तो ना जाने कितना बड़ा बवाल खड़ा कर सकते हैं, आपको पता। प्लीज आप और वहनी इस हवन के लिए बैठ जाइए, मामला यही का यही सुलझ जाएगा दादा। सचिन देख मेरी बात सुन। देखिए दादा, गिरीश जी और श्रवणी यहाँ पर आए हुए हैं और इस समय बाबा को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, और इसके लिए यही एक रास्ता है दादा। देखिए गिरीश जी ने बहुत मुश्किल से इस शादी के लिए हाँ की है, और अगर उन्होंने बाबा को इस हालत में देख लिया तो इस शादी के लिए वो इनकार कर देंगे। दादा आप प्लीज वहिनी की। लेकिन सचिन ये कैसे मुमकिन है यार। क्यों मुमकिन नहीं है वहिनी, बस एक बार तुम अपने मन से मान लो, फिर तो बाकी सब कुछ अपने आप ही आसान हो जाएगा ना वहिनी। वहिनी देखो वहाँ पे सारे चाली वाले आए हुए हैं, इन सब के सामने बाबा का मान रख लो वहिनी। प्लीज वहिनी प्लीज ना मत करो। लेकिन मंदू मैं कैसे। हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है, भले ही तुम हमारे घर से दूर ही सही, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम आज भी हमारे बारे में और हमारे घर के बारे में सोचती हो। वहिनी फिर क्या तुम चाहोगी इन सब के सामने हमारा मजाक बने। वहिनी देखो इस गैराज को, ये गैराज दादा का सपना है, कम से कम दादा के बारे में तो सोचो। आज अगर तुमने पूजा में बैठने से मना कर दिया तो ये अपशगुन होगा, और गैराज के पहले दिन ही अपशगुन, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। वहिनी यहाँ पे सचिन के होने वाले ससुर जी भी आए हुए हैं, अगर वो ये सब हंगामा देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी। वहिनी प्लीज हमारा मान रख लो, आज बात को संभाल लो। सचिन बात को संभालना जरूरी है, लेकिन तू अर्चना के बारे में सोच तो सही। दादा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप इस बात से कन्विंस हो जाइए, ठीक है ना। चलिए चलिए दादा। नहीं सचिन, अब हमारा वो रिश्ता नहीं रहा कि हम एक साथ एक हवन में बैठे। अरे डिवोर्स हो चुका है हमारा। तो फिर क्या हुआ, डिवोर्स पेपर जैसे चंद पन्नों पे साइन करके क्या जन्म जन्म के रिश्ते खत्म हो जाते हैं। वहिनी अग्नि को साक्षी मानकर तुम दोनों ने साथ निभाने की कसम खाई थी, एक दूसरे के साथ वादा किया था, आज वही अग्नि तुम दोनों को साथ बुला रही है, क्या तुम उसका मान नहीं रखोगी। ऐसी बात नहीं है बंधु, लेकिन वहिनी मना मत करो प्लीज, वहिनी प्लीज मान जाओ। वहिनी ऐसी भी कैसी थे बेटा। देख बेटा तेरे हाथों हवन होगा तो मैं समझूंगा घर को लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल गया, घर की लक्ष्मी पूजा करती है तो घर में बरकत आती है, कर ले पूजा बेटा। हवा तो मैं तुझे पूरे हाथ जोड़ दो। नहीं काका, बड़ों का हाथ हमेशा आशीर्वाद के लिए उठता है, उनके सामने झुकने के लिए नहीं। तो फिर तुम तैयार हो ना वहिनी।